हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और चाय का टाइम हुआ है और हम लोगों ने चाय और मखाना रेडी किया है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी भी आई है बाबू से मिलने का। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था मम्मी का, तो मिलने के लिए आई है। और गन्नू यहाँ देखो, यहाँ बैठा है सोफे पे, वो भी मखाना खा रहा है। गन्नू यहाँ देख, हाय करो। हाँ, कुछ नहीं बोलना इसको। और गन्नू के फरमाइश पर गन्नू की नानी भी आई है। गन्नू का भी मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था और हम लोग अभी चाय पीने बैठे हैं। और क्या, और कुछ नहीं। कहाँ सो? आप ही सो जाओ, आप ही सो जाओ। गन्नू चलो आओ, गन्नू चलो आओ। की खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे। मामू को आया था, मामा 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 एकदम खुश होकर ला कर इसको दिखाया है। छोटा निकाल दिया। गाइस, अभी हम आए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी क्या बनने वाला है? मछली बनने वाला है और रोटी और चावल बनेगा। तो मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी देख सकते हैं, ये पूरी मछली हम लोगों ने वॉश करके रख ली है यहाँ पे। और उसके मसाले अभी रेडी कर, यहाँ पे ये मसाला हमारा रेडी हो रहा है। जैसे कि लहसुन है, 2 लहसुन, मतलब क्या बताओ, इसमें बड़े बड़े 2 लहसुन हैं और सरसों है पीला और ये अदरक है। ये सबको हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे वही पेस्ट हम लोगों ने इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें हम हल्दी डाल दे रहे हैं और साथ ही साथ इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है और ये गरम मसाले का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तेल और इसमें नमक भी डाल दिया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मसाला पूरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। सब चाय वगैरह साथ ही, ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल इसमें हम लोग गर्म होने। ये पूरी तरीके से मसाला लग चुका है और तेल यहाँ पे गर्म है।
इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे अच्छे से ये ब्राउन हो जाने तक आप इसको फ्राई करें, और इसको अच्छी जैसे देखिए ब्राउन हो जाने के बाद आप इसको पलट दें। ये पूरा हल्का सा कुरकुरा होके निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं और ग्रेवी वाला भी खा सकते हैं। इसमें सारा मसाला जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लाइट की वजह से थोड़ा कलर वो हो रहा है। क्या बन रहा है? मच्छी। मच्छी। फिश। फिश बन रहा है। फिश। क्या बन रहा है? फिश। आप खाओ बेटा। तो गाइस देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है और हम इसे अब निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, आप लोग भी बना के खाइए। ठंडी है, बारिश हो रही है। ठंड भी है और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, ये तो आप लोग भी ये सब चीज़ों का मज़ा लें कृपया करके। देखो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। वही खिला लेंगे आराम से। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने हमारा फ्राई हो चुका है और ये प्याज उन्होंने इसी तेल में डाल दिया। इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। इसको थोड़ी देर तक आप अच्छे से ब्राउन होने दे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके में। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये जो पीसा वाला मसाला जो हम लोगों ने पीस करके रखा था वो है, उसे अब डालेंगे हम लोग। नमक डाला है यहाँ पे, स्वाद अनुसार नमक डाल दो। और ये हमारा मसाला इसमें ऐड हो गया। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे। अब इसमें सारे हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जो भी हम सब इसमें डालेंगे। ये हो गया हल्दी पाउडर और ये हमारा एवरेज का कलर के लिए डाला गया है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते रहो। गरम मसाला, अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। ये हो गया हमारा गरम मसाला, हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। हम तो चाहे कोई भी दफा लें। इस मसाले में ये मसाला पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें अपना वो वाटर ऐड करें। और इसको थोड़े देर मतलब उबलने दें।
गाइस जैसे कि सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और रात को मैंने व्लॉगिंग एंड कर दिया था वहीं पे। और जैसे सब बन वन जाने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, बहुत ही ज़्यादा सब इंजॉय किए थे और इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें शूट नहीं की थी। और डायरेक्ट अभी सुबह 10 बज रहा है, नाश्ता वास्ता सब हो चुका है। गन्नू का कारनामा देख सकते हो क्या चल रहा है, सारी बर्तनों के साथ पता नहीं है क्या करता है। तो अभी सब कुछ हो चुका है, तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू।